हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं संतोष शर्मा, जिला गोरखपुर, यूपी तिरपन, और मैं आप लोगों को लेके आया हूँ माता जी का दर्शन करा दे रहे हैं। साक्षात आइए और देखिए, सावन के महीने में मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को माता जी का दर्शन करवा दे रहे हैं। मैं अंत तक बने रहे, आप लोग दिखा देंगे, माता जी का दर्शन करवाएंगे, साक्षात करवाएंगे। देखिए माता जी के यहाँ कितना भीड़ भाड़ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्थान है माता जी का। देखिए यहाँ पर बहुत सजान चालू है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन आजकल सावन के महीने में बहुत भीड़ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग माता जी का दर्शन करवा दे रहे हैं, हम लाइव दर्शन कराएंगे आप लोग को। वीडियो के अंत तक बना रही है, यहाँ का नज़ारा है बहुत अच्छा, यहाँ का दृश्य है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और माता जी का लाइव दर्शन करवा देंगे आपको। आइए दोस्तों, करवा दे रहे हैं। देखिए काफ़ी यहाँ भीड़ है, माता जी चाहते हैं, जितने भी दर्शन करना चाहते हैं सात सात लोग यहाँ भीड़ देख सकते हैं, यहाँ कितना साक्षात भीड़ लगा हुआ है। तो मैं आप लोग को भी दर्शन करवाऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं ले चल रहा हूँ, काफ़ी देखिए बहुत सारा भीड़ माता जी का देख सकते हैं। धन्यवाद, मैं आपको दर्शन जरूर करवाऊंगा और माँ का आशीर्वाद जरूर दिलवाऊंगा आप लोगों को। और प्रेम से कहिए माता जी का, साक्षात माता जी का दर्शन करिए, आप देख सकते हैं माता जी का दर्शन कर सकते हैं। देखिए माता जी, देखिए सारे भक्त यहाँ मौजूद हैं, सारे भक्त अपना पूजा पाठ में लगे हैं, आराधना में लगे हुए हैं माता जी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ भाड़ है, और ये बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का, देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को दर्शन करवा रहा हूँ माता जी का, दर्शन कर लीजिए। देखिए माता जी का दर्शन कर लीजिए आप, बहुत ही सुंदर माता की झांकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में प्रचलित है माता त्रिपुरा देवी का स्थान, और यहाँ पर जो भी मन्नतें रखी जाए, जो भी मनौती रखा जाए पूर्ण होता है। तो देखिए पूर्ण, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सारा घंटा माता जी का, तो सारे अपने जो भी मनौती रखे हैं जिनका पूर्ण हुआ है, माता जी का चुनरी है ये भी बांध सकते हैं आप, माता जी का चुनरी बांध सकते हैं, घंटा भी बांध सकते हैं, जो चाहे वो बांध सकते हैं। तो मैं आप लोग को माता जी का दर्शन कैसे करवा दे रहा हूँ, देख लीजिए माता जी का दर्शन कर लीजिए, आप लोग लाइव दर्शन कर लीजिए, आप दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेरे यूट्यूब के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि नेक्स्ट पार्ट को दूसरा पार्ट है, मैं आप लोग को दिखा सकूँ माता जी का दर्शन करा सकूँ। देखिए माता जी का साक्षात दर्शन करिए, आप लोग आशीर्वाद लीजिए आप, और बहुत ही अपने आप में सुंदर स्थान है ये माता जी का स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान है। और आप लोग एक बार यहाँ जरूर आइए माता महादेवी के स्थान पर, और माँ का दर्शन करिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। देखिए बहुत सारा यहाँ भीड़ भाड़ लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिखा के चल रहा हूँ। देखिए माँ का स्थान ये चौकी, मैं चारों तरफ से मैं आप लोग का दर्शन करवा दे रहा हूँ, चारों तरफ से यहाँ का जो भी है माता जी का जो भी झांकियाँ है सब दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है माता जी का, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य देखिए आप, यहाँ का मेला का दृश्य देख लीजिए, चारों तरफ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और आइए मैं एक बार पुनः माता जी का दर्शन करवा दे रहा हूँ, प्रेम से बोलिए जय माता जी, माता जी का माता जी का दर्शन करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेम से बोलिए जय माता दी, सपनी माता की जय, जय माता दी।